आज संभाग स्थलीय संकल्प रैली में पधारे हुए हमारे AICC के सचिव एवं राजस्थान के प्रभारी विवेक बंचल साहब, नमो नारायण मीणा साहब, हेमा रामजी चौधरी साहब, मदन कौर जी, गोपाल रामजी मेघवाल साहब, रूपा रामजी धंधे साहब, बहन जैसलमेर प्रमुख अंजना जी एवं सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी संभाग से पधारे हुए युवा भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ आज यहाँ इस संभाग रैली में उपस्थित होकर के आपने जो जोश के साथ ये उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार के अंदर जो जिला परिषद की योजनाएं थी, जितनी भी योजना थी, सरकार के आने के बाद में सब बंद कर दी गई हैं। साथ ही उनका कुछ नहीं करके सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करने के सिवाय इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस सरकार के आने के बाद में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं को, युवाओं को रोजगार दिया जाता था, महिलाओं की बात सुनी जाती थी। पर आज हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला होने के नाते भी आज अपने संभाग की बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे कितने बच्चियों के साथ में बलात्कार होते हैं, हमारी बहन बेटियां इस सरकार के अंदर सेफ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब से निवेदन करूँगी कि हमें इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों को ही तवज्जो दे सकती है, परंतु कांग्रेस की सरकार जो आम आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, जो हमेशा गरीबों के हित में सोचती है, हमेशा गरीबों के हित में सोचती है, हमेशा आम आदमी के बारे में सोचती है, इस और बीजेपी की सरकार ने हमेशा गरीबों का शोषण किया है, हमेशा गरीबों को पीछे धकेलने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगी जब से अपने भारत के अंदर जब जितनी भी योजनाएं थी सब बंद करने के सिवाय इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जब ये सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, अपनी बेटियां इस सरकार के अंदर सेफ नहीं है, अपनी बेटियों के साथ में हर तरह से अत्याचार हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हम लोग दुखी हैं। योजनाएं की बात में भामाशाह योजना, इस तरह के जो नाम चेंज करके सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है इस सरकार ने और कोई काम नहीं किया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हमें आज यहाँ से संकल्प लेके चलना है कि इस सरकार को हम जल्द से जल्द उखाड़ के फेंक सके और कांग्रेस की सरकार बना सके। और आप सब यहाँ पधारे इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सबसे ज्यादा अत्याचार जो हो रहे हैं वो महिलाओं के ऊपर ही है, यह अपनी वेदना प्रकट की प्रियंका जी ने। अब